हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। हम आए हुए हैं अपनी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, और वो भी मनाली में। तो सोचिए कितना ज्यादा एक्साइटिंग होगा। आपने शॉर्ट वीडियो तो देख ही ली होगी कि हम पहुंचे हुए हैं मनाली। और हाँ, ये जो आप होटल देख रहे हो, यहाँ हम ठहरे हुए हैं, और ये है ब्यास व्यू। होटल ब्यास व्यू इसलिए क्योंकि पास में ब्यास रिवर है जो पास हो रही है, और आपको मैं इस क्लिप में दिखाऊंगी। साथ ही साथ माउंटेन व्यू है, और इतनी ज्यादा शांति, यार मजा ही आ गया था। यहाँ का जो नजारा है ना, कुछ अलग ही था। बिल्कुल सनलाइट के नीचे जो हम मजा ले रहे थे व्यू का। बाय द वे, जहां हम स्टे किए हुए थे वहां से 500 मीटर की दूरी पे स्मॉल रोड था जहां हमने रूम देखा, हम क्योंकि हमें मार्केट के नजदीक चाहिए था। बट यहाँ क्या दिक्कत आई, गार्डन में भी आपने देखा होगा कि चेयर लगे हुए थे, झूला लगा हुआ था, और वहां से हम ना आराम से इस व्यू का मजा ले सकते हैं। कम्प्लीटली नेचर के साथ कनेक्ट हो रहा है, और आप वो जो रोड देख रहे हो ना सामने, वो जा रहा है डायरेक्टली मॉल रोड। देखने में काफी डिस्टेंस है, बट ये बहुत ही ज्यादा नजदीक था हमारे होटल रूम से। आप ना ऐसी जगह रहना चाहोगे अगर आप इतनी दूर आ रहे हो तो, कि जहां आप नेचर से कनेक्ट कर पाओ, और ये वो जगह है ना जहां हम नेचर से डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ रिवर भी है, माउंटेन भी है, एंड डायरेक्टली हमें जो साउंड सुनाई दे रहा है वो यहाँ का ही है। रोड के पास देख रहे थे रूम, तो वहाँ क्या था ना कि वहाँ पे सारे जितने भी गाड़ी की भीड़ लगे थे, बहुत ज़्यादा साउंड था, लोग बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। तो हमने सोचा कि भाई अगर हम लोग दिल्ली से यहाँ आए हैं मनाली घूमने के लिए, तो ऐसी जगह रहते हैं ना जहाँ पर हमें थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट कर पाए, और ये चीज़ हम यहाँ कर पा रहे हैं, और मतलब सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारा होटल, ये हमारा होटल, मैं आपको अंदर से व्यू दिखाऊंगी। गाइस आपने बाहर का व्यू देख लिया, अब आपको मैं दिखाती हूँ अंदर का व्यू। तो अंदर आते ही यहाँ पे अलमारी है जहाँ हम सामान रख सकते हैं अपना। ये हमारा रूम, और इधर पे हम बैठ के अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं। एंड यहाँ पर टीवी भी लगी है, अगर हमें मन करे कुछ देखने का, तो बट देखने का मन नहीं है कुछ भी। और ये रहा हमारा प्यारा सा बालकनी, जहाँ से मैंने व्यू पॉइंट आपको दिखाया, वो व्यू पॉइंट आप देख सकते हो उधर साइड पानी। और इसका साउंड इतना अच्छा है ना, हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं नेचर के साथ। सो यस, दिस इज सो एक्साइटिंग। गाइस तो हम लोग निकल रहे हैं घूमने के लिए, और अभी का मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, धूप निकली हुई है। सो अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। नेहा, हाय फ्रेंड्स। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं भैया? हिडिंबा देवी टेंपल से हम लोग जा रहे हैं, हिडिंबा देवी टेंपल दर्शन के लिए। ओल्ड मनाली, यस। ये टीका यहाँ 7 घंटे बना दी, जो भोपाल मंदिर में चढ़ेगा पूरा। लोग बोलते हैं कि बीमार चल रही है, बोल लो फोन से। यहाँ पर मैंने इस क्यूट सी रैबिट के साथ फोटोज क्लिक किया। ये है हिडिंबा देवी टेंपल। मैंने यहाँ पे आउटर व्यू कैप्चर किया है क्योंकि अंदर में कैमरा अलाउ नहीं था, तो हम जब दर्शन लेने गए तो हमने कैप्चर नहीं कर पाया अंदर का। ये सारे आप जो व्यूज देख रहे हो ना, ये टेंपल के लोकेशन के ही हैं। ये कुछ टेंपल के पास ना रोड साइड ढाबा लगा हुआ था जहां पर आप आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो, या लंच जो भी आप चाहो। तो ये 250 का है ना, और ये दो पैकेट तुम 500 में दे दोगे, तो एक पैकेट ये दे दो मुझे, 500 तेल वाला था पूरा, आपको तेल और उसी टेंपल के सामने ना बाहर निकलते ही यहाँ पर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ट्राई कर रहे थे, जैसे कि अखरोट या फिर आप कह सकते हो काजू।
बिलीव मी गाइज, द फैक्ट आई एम गोइंग टू टेल यू कि यहाँ पर हमने परचेस तो कर लिया हैप्पीली, क्योंकि यहाँ ना हमें जो खिलाया गया वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, बट जब हमने पैकेट फाड़ के उसके अंदर का काजू और अखरोट खाया वो पूरा का पूरा खराब हो रखा था गाइज, सरा हुआ था। बी अवेयर गाइज, अगर आप यहाँ आते हो ना तो जो खाते हो वही आप लोग पैक भी कराओ, अदरवाइज आप भी मेरी तरह ऐसे फंस जाओगे। हुडुम्बा देवी टेम्पल से एग्जिट होते ही राइट साइड में ये आंटी बेचेंगे, पहला शॉप मिलेगा आपको, प्लीज गाइज अच्छे से खरीदना ध्यान से, वरना आपका भी मेरी तरह पैसा फंस जाएगा। और ये मोमोज हमने वही टेम्पल के पास ही लिया था जो कि पड़ा था मुझे 100 रुपीज का। अगर आप थोड़ी सी दूर और जाकर के लोगे तो आपको यही प्लेट 60 रुपीज में पड़ जाएगा, बट हमें नहीं पता था तो हमने यहाँ पे 100 रुपीज पे किए थे इस मोमोज के। ये चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ ना ताकि वो लोग अवेयर रहे, एटलीस्ट जो जाना चाहते हैं और जिन्हें कुछ आइडिया नहीं होती ना उन्हें पता होगा तो वो अवेयर रहेंगे। हमने पूरे दिन भर की करी हुई थी कैब, तो हम वापस से आ गए थे अपने गाड़ी में टेम्पल से निकल के, और फिर हम पहुंचे मनाली का द क्लब हाउस। आइए चलते हैं और इसका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। सो एंट्री लेने से पहले हमने यहाँ से कराई टिकट, यहाँ था एडल्ट प्राइस था 25 रुपीज़ एंड अगर कोई बच्चा है आपके साथ तो उसका था 10 रुपये। यहाँ पे आपको काफी सारे स्वेटर के कलेक्शन दिख जाएंगे, आपको ओवरसाइज स्वेटर कुछ ज्यादा ही थे, यहाँ पे आप देख सकते हो साड़ी भी लगी हुई थी स्वेटर की। साथ ही साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यहाँ पर ना आपको सूट या कुर्ती टाइप के स्वेटर ज्यादा देखने को मिलेंगे कलेक्शन में। ये अभी तक आप आउटर देख रहे थे, अब चलते हैं क्लब हाउस के अंदर और यहाँ देखते हैं कि आखिर क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। एंट्री लेते ही राइट साइड में थी रिसेप्शन, जहाँ से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हो, और वहाँ जाने की जरूरत तो वैसे थी नहीं क्योंकि हमारी टिकट ऑलरेडी हो रखी थी तभी हमने एंट्री ली थी। अब सामने आपको दिख रहा होगा क्राफ्ट गैलरी, जो कि सारा का सारा चीज़ ना हैंडमेड था और बहुत ही अच्छा था, इको फ्रेंडली था सारी चीज़ें। बाय द वे यहाँ पे पर्स के कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब छोटे बड़े हर साइज़ के थे और प्राइस बहुत ही रीजनेबल थे, मतलब 300-400 में आपको अच्छे अच्छे साइज़ मिल जाते। मुझे देखकर ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि यहाँ कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा थे एंड जो आप देख रहे हो 300 में थे छोटे से पर्स है, बट अगर 300 में ही आपको बड़े पर्स मिले तो ऑब्वियसली आप बड़े पर्स चुनोगे, क्योंकि सेम रेंज में अगर आपको अच्छे सामान रखने का चीज़ें मिल रहे हैं तो आप ऑब्वियसली वो चीज़ चुनोगे जिसमें आपको ज़्यादा स्पेस मिले, राइट। सो 300-400 रुपीज़ में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे पर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर हैंडमेड बैग्स भी थे, बेल्ट्स भी थे, बेल्ट्स के कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा थे और काफ़ी अच्छे अच्छे थे। थोड़ा सा आगे बढ़ने पे ना लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सीनरी बनी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, आप वॉल वगैरह पे अपने लगा सकते हो, मतलब कहा जाए तो यूज़फुल चीज़ें भी थी और डेकोरेशन की चीज़ें भी थी, आप घर डेकोरेट भी कर सकते हो प्लस आप अपनी यूज़फुल चीज़ें भी ले सकते हो यहाँ से। ऑब्वियसली क्योंकि मनाली हिल स्टेशन है तो आपको यहाँ पे स्वेटर जैकेट्स के ज़्यादा कलेक्शन दिखेंगे इंस्टेड ऑफ नॉर्मल कुर्ती या फिर कॉटन कुर्ती ये सब चीज़ों के। कॉटन कुर्ती क्या, मतलब कॉटन कपड़ों के आपके कम कलेक्शन दिखेंगे बट मॉल रोड में ज़्यादा दिखेंगे, क्लब हाउस में नहीं, क्लब हाउस में काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थी बट उलन कलेक्शन थी। फ्रिज मैग्नेट की भी काफ़ी अच्छी अच्छी कलेक्शंस थी। क्लब हाउस से निकलने के बाद सीधे हम लोग गए अपना लंच करने क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज भूख लगी हुई थी हमें। हमने मंगाया पनीर चिली, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी एंड साथ में रुमाली रोटी। इसके साथ में हमें कॉम्प्लीमेंट्री में परोसा गया था प्याज और हरी चटनी। सो अब आती है बारी हमारी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी की, जो हमने 24th की नाइट पे सेलिब्रेट किया था। 25th नवंबर को हमारी हुई फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी। बैकग्राउंड में बज रहा था सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक और क्यों ना फिर हम कपल डांस करें, इस पे थोड़ा बहुत तो कमर हिलाना बनता ही है। मोमेंट काफी ज्यादा अच्छा था हमारे लिए, इमोशनल कह लो, हैप्पी कह लो, सब कुछ एक बार में मिक्स, लेकिन बड़ा मजा आया उस दिन। एनिवर्सरी की करी हमने एक दूसरे को विश और वो भी पहाड़ों में, सोच सकते हो कितना मजा आया होगा यार। एक तो नजारा और ऊपर से फिर बैकग्राउंड म्यूजिक, तो मजा किसको नहीं आता है भाई। अब हो गया चलो केक भी कट कर लेते हैं। सो थैंक्स टू नेहा, इतना टेस्टी केक था उसने अरेंज करके रखा था हमारे लिए और उसने बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हमारा एनिवर्सरी मना दिया। Cheers, happy anniversary to us. Guys, यार आप लोग भी बैठे बैठे ताली बजा दो यार, मजा ही आ जाएगा।
केक कटिंग के बाद नेहा ने दिया हमें प्यारा सा प्रेजेंट हमारी एनिवर्सरी पे। अब बारी आती है गिफ्ट ओपनिंग की और यहाँ हम वो देख रहे हैं जो नेहा ने हमें गिफ्ट दिया है। ओह एंड लुक एट दिस क्यूट गणेशा, थैंक्स नेहा फॉर दिस गिफ्ट। सो ये थी मनाली व्लॉग पार्ट 1, पार्ट 2 आने वाला है, इसलिए अगर आप नए हो तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करना मत भूलना।